ऐसा हो रहा है धुन धुन बिल्कुल, मतलब रोड तक नहीं दिख रहा क्लियर आगे। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। बज रहे सुबह के 5:30 और नहा धो के सब तैयार हो गए। एक्चुअली आज जो है प्लान है जाने का नैनीताल, दो गाड़ी बुक करी है हमने, तो बस नाश्ता करते हैं फिर निकलेंगे। मैं नहा लिया हूँ, मुझे ना नींद आ रही थी बहुत तेज, रात को भी लेट सोए, तो अब फिलहाल नहाने के बाद थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिल गई है। भाई मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है आज का, आज मतलब मजा आने वाला है। वैसे तो लगा ऐसी रहा है, हमें पता चला है कि नैनीताल में बारिश हो रही है, 100% चांस है, अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत होती रहती है। इसी मौसम के बीच में देखो ये लगे हुए हैं भाई अपने जो है चाय पीने, ग्रीन टी है, चाय नहीं है, ग्रीन चाय, हरी चाय, हरी चाय भाई। अच्छा जी, इस मौसम में हरी चाय, वाह क्या मजा बांधे भाई, हरी चाय। अरे मजा क्या बांधे, मजा तो अब बनेगा बेटा। अच्छा जी, हाँ जब जाएंगे ना नाश्ते में हरी काली नीली पीली सारी चाय पीनी पड़ेगी, तब बनेगा मजा। अरे मुझे तो ठंड लगने लगी यहाँ बैठे बैठे ना, नहाने के बाद, और ये हवा चल रही है बढ़िया, कोई नहीं बारिश नहीं, बारिश होगी तो मजा हो रहा है बारिश का भी। भाई को देखो वाह वाह, बारिश भी पड़ सकती है, एक एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा ले चलना कपड़े। हाँ पहले वाले व्लॉग में भी उम्र कैसी दिखे, रेडी हो गए तुम, कपड़े वपड़े पहन लिए तुमने, सब तैयार हो गए। निकाल लेता हूँ कपड़े कौन से वाले पहनने, कुछ बच्चे तो सो रहे पड़े हुए भी, इन्हें उठा दो तो ले चलूंगा वाली टी शर्ट। अबे दानिश क्या कर रही हो तुम ये, अरे इधर तो देखो, अरे इधर तो देखो, रेडी तुम भी, रेडी तुम भी, रेडी और तुम भी रेडी हैं, और हम भी तो रेडी हैं। और तुम तो बुलाने को बुलाने बुलाने तकने में नए कपड़े हैं, ये पैंट कितनी बुरी हो रही है। हेलो रेडी हो गया हूँ बिल्कुल, और बस चलने की देरी है, कार आ गई हमारी एक, दूसरी वाली आनी बाकी है, ये वाली कार आ गई है, बस जल्दी से जो है बाकी लोग तैयार हो जाए फिर निकलते हैं। तो भाई उमर भाई रेडी होंगे, क्या लग रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या मुजस्सिमा बना किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, मुझे 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ देंगे। जान भाई कपड़े वपड़े पहन लो, ऐसी जाने का इरादा है बताओ भाई, बॉडी है भाई की, बॉडी है तो बॉडी का थोड़ी ना नंगे जाएंगे। ज्वाइन करा था 6 महीने पहले, अभी तक असर है उसका, अभी तक असर है, 12-13 दिन जिम करा है। चलो जल्दी पहन लो भाई, गाड़ी खड़ी है देखो सामने, फिर छोड़ जाएगी। जिम वाले ने बोल दिया 12 दिन कर लिया तुमने, और 12 दिन और कर लिया तो बॉडी फट जाएगी तुम्हारी। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं। भाई हम ऐसा है, हम मोमेंटिंग से बहुत परेशान है। अच्छा, हमारी एक मैम है पीछे। अच्छा, उनको आप अपनी गाड़ी में ले जाइए, उस गाड़ी में जगह ही नहीं है, नहीं तो अम्मी को भेज दीजिए आप। अच्छा, मेरा यकीन मैं जो हम यहाँ वाली कार में बैठे हुए, बाकी लोग सब दूसरी वाली कार में बैठे हुए, सही था तो पतला सा हो रहा है वाला, ठीक है वाला। देखो हम तो भुट्टा लेने के लिए रुक गए, और उनकी गाड़ी पीछे भी, वो तो आ रहे हैं लेंगे, फिर चल रहे हैं आगे। तो लग रहा बारिश हुई है यहाँ पर अभी, और बारिश के बाद जो है मौसम ऐसी हो रहा है। तुम क्या लोगे, भुट्टा लोगे, अरे भुट्टा लोगे क्या, अरे देखो ये बन रहा, देख रहे हो बढ़िया सा बना रहे हैं इनका लिए, देखो बजाज का नहीं है, और जब बन जाएगा ना तो इस पे वो लगवा के ना वो खाएंगे ना। तुम छुट्टियाँ कहाँ जा रही है तुम्हारी, तो नमन भाई कहाँ कितनी दूर हो रही है बताओ आप। ना ना बस खाने को लगा दो, कितनी दूर रह गया, बस यहाँ से 7-35 किलोमीटर 35 नैनीताल। ये कौन सी जगह जहाँ खड़े हैं हम अभी, ये कालाडूंगी से 3 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। अच्छा, बारिश हुई है, मुझे लग रहा पेड़ वेड़ सब गीले हैं देखो। हाँ यहाँ बारिश हुई है, ऊपर बारिश हो रही है नैनीताल में। हाँ पक्का, चलो ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कभी नैनीताल में बारिश नहीं देखी, मैं गया हूँ 1-2 बार तो तब नहीं देखी, लेकिन इस बार बारिश अगर मिलेगी तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है, कहाँ टंगे जा रहा है भाई, चलते फिर आगे के सफर में। इसके दानों की वो बात देख रहे हो क्या, उनका ही बच्चा देखो, कच्चा नहीं है, सही है बुट्टा तो। वैसे
तो यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू हो गई है हमारी। तेरा ना हुआ किसी का नहीं। अब जो उठ गए तुम हैं, शर्ट पहन के आया आज फुल वाली, देखो तो काम कर दिया भाई। क्या कर दिया तुमने? लो पानी दो, पानी का है बॉटल, ये इतना ही है इसमें। कोहरा इतना खतरनाक पड़ रहा है। कोहरा नहीं है, बादल ही। कोहरा नहीं होता यहाँ पहाड़। अच्छा बादल है सारे, बर्फ का पानी जो है सारी धुंध जम गई। साइड में लगा दिए गाड़ी, दरअसल ना बादल बादल बहुत हो रहे हैं, आगे चलाने में दिक्कत हो रही है। फिर बच्चों ने वॉमिटिंग वगैरह कर दी, फिर ऐसे साइड हो गए ना, थोड़ा से स्टे करेंगे फिर चलेंगे। गाड़ी भी पीछे है, फोन करा है तो बता रहे हो पीछे से। आंसू की हालत कैसी हो गई है उल्टी कर करके? नहीं अब नहीं करनी, अभी हमने स्टे ले रखा है आपका, फिर स्टॉप नहीं बैठेंगे जरा, और पीछे का नज़ारा देखो कैसा है, सब कुछ धुंध धुंध हो रही है। तो इनसे यहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे जरा। हमने भी कर दी थी हैं वॉमिटिंग कर दी थी, अब तो इसके तो बाल वाल लग गई किनारे। पिछली बार जब हम आए थे हमने यहीं स्टे लिया था, लेकिन इस तरीके का मौसम नहीं था। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा हो रहा है धुंध धुंध बिल्कुल, मतलब रोड तक नहीं दिख रहा क्लियर आगे। फिलहाल हम हैं मंगोली, कुछ खा पी लें जरा, चाय पकौड़ी है। बच्चों ने थोड़ी सी ना जिंदगी खराब कर दी थी, इधर वॉमिटिंग कर रहा है एक इधर वॉमिटिंग कर रहा है, तो मेरा तो जी से अंदर से ना ऐसा लगा था उसकी है ना। इनके कपड़ों पे कर दी, अम्मी के कपड़ों पे कर दी, दो तुम्हें पानी चाहिए था मान भाई, वो सब नीचे बैठे हैं। भाई भी मिल गए हमारे रास्ते में ही, वाह क्या मौसम है देखो ना। माशाल्लाह मौसम अच्छा है। नई गाड़ी अपनी वो आ गई है सामने खड़ी है, बस वो भी लोग आएंगे तो सब बैठ के खाएंगे यहीं। गंदे कन्ने फाइनली जान भाई भी आ गए, मौसम देख लो। कितनी जगह गाड़ी रोकी थी, आज इसको कोहरा बता रहे हैं और ये बादल हैं, लेकिन ये बादल हैं और वो मान नहीं रहे थे हमारी बात को, ये कह रहे थे कि क्या लेके मतलब जो है मानोगे भाई तो पैसे दो कुछ। हमने नहीं ये बादल है, बादल जब वहाँ डिबेट चल रही थी सरकार में, वो ऐसा है भाई हमने इनसे इन्होंने कहा बादल है मानो, मैंने कोई बात नहीं हम बादल मान रहे हैं, कुछ दो ले देखे कुछ बात करो, ये दे नहीं रहे तो बादल मान ही नहीं रहे, मानेंगे नहीं। मंगा लिया हमने चाय और समोसे, थोड़ी मौसम पहली बार ही खिंचवा रहे होंगे एक साथ फोटो सारे मिलके, वो भी हिल स्टेशन पे। एक काम करो उमर भाई, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, उस पे पेड़ पे, पेड़ पे चढ़े फोटोग्राफी के चक्कर में मुझे कुछ खाने नहीं दे रहे भाई। लो मेरी पकौड़ी वकौड़ी दो, कहाँ है मेरी चाय, मेरी चाय हाँ ठंडी कर दी। काफी देर स्टे करने के बाद अब चलते हैं आगे। ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे का हवाएं हवाएं। अभी नैनीताल से 4-5 किलोमीटर पहले बैरियर लगे हुए थे, रोक लिया, मतलब अंदर जगह नहीं है नैनीताल में बिल्कुल भी पार्किंग की, ना होटल में ना किसी पार्किंग में, तो इस वजह से यहीं रोक लिया और पार्किंग में गाड़ी लगवा दी है। कह रहे हैं अब यहाँ से जाओ अपनी टैक्सी करके अलग, जो कि जाके छोड़ के आ जाती है। एक काम बढ़ गया फालतू का, दूसरी वाली गाड़ी थी वो पास हो गई लेकिन हमारी नहीं हो पाई। देखो बात चल रही है अभी, क्या रहता है क्या नहीं, वरना तो फिर टैक्सी से जाना पड़ेगा। मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, इस तरीके का पूरा धुंध धुंध है हर जगह। फाइनली नैनीताल में एंट्री कर ली है, अभी उतर रहे हैं पार्किंग ढूंढ रहे हैं। आशु बारिश हो रही है यहाँ पर तो बाहर, तो अम्ब्रेला लेना पड़ेगा हमें।